तो भगवान अभी यहाँ पर कह रहे हैं श्लोक नंबर 19 में कि यहाँ तक मैंने तीन सब्जेक्ट बता दिए, तीन चीजें बता दी, आपको कितनी समझ में आई है और क्यों नहीं समझ में आई है उसका भी, जो नहीं समझ में आया वो क्यों नहीं आया उसका भी कारण भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समासित। यहाँ पर मैंने आपको क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय, ये चार चीजें मैंने बता दी आपको, ये मैंने चोक्तम समासित मैंने संक्षिप्त में बता दी, लेकिन इसको समझेगा कौन? शब्द भगवान के, मैं नहीं बोल रही हूँ, भगवान कहते हैं मद्भक्त एतद् विज्ञानम् मद्भावो योपपद्यते मद्भक्त एतद् विज्ञानम्। इसको अगर कोई समझ सकता है तो सिर्फ कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है? मद्भक्त कौन बोल रहा है? कृष्ण। मद माना मेरा, भक्त माना जो मेरा शुद्ध भक्त होगा ना उसी को समझ में आएगा। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी क्वालिटी क्या है कि भगवान का भक्त होना चाहिए।